Morning. साइन कुछ ऐसी फॉर्मूला है जिसको आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, यानी यह जो है लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। आपको यहाँ क्या करना है, इसके मान को क्या तो आप रटेंगे है ना, या फिर आपको एक तरीका याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। वह यही है, जरा ध्यान दीजिए कि रूट दे दीजिए और बढ़ 0 से लेकर 4 तक बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए, ठीक है। अब बटा में 4 कर दीजिए, ठीक है। रूट अंडर 0/4, 0 में 0 से भाग दीजिए, क्या होगा 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, तो यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 है ना। और फिर 1/4 ले लीजिए तो 30 डिग्री का निकल जाएगा, हाँ, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। अब 45 डिग्री का ले लीजिए है ना, तो 2/ कितना हो जाएगा 2/4 होगा, तो 2/4, 2 × 4 1/2, 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल √2 होगा, यानी साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√2। अब है √3/4, √3/4 का वर्गमूल √3 का √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2। अब 4/4 है, उसका रूट कर दीजिए, काट दीजिए 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1। वही चीज यहाँ है, 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहाँ देखिए, अब आपसे क्वेश्चन होगा कि साइन थीटा के मान जो है वह लगातार बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान बढ़ते हुए क्रम में होता है, तो हाँ होता है। कैसे समझेंगे, यहाँ से देखिए, बढ़ते क्रम में है 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो साइन थीटा का मान क्या होगा बढ़ेगा। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये तो बढ़ते क्रम में है, तो जब साइन थीटा के मानों में वृद्धि होगी है ना, जब साइन थीटा में मैंने साइन थीटा की जब वृद्धि होगी यानी तो उसके मान में भी जो है क्या होगा वृद्धि होगा, ठीक है। अर्थात ये देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1, यानी हमेशा क्या हुआ बढ़ते क्रम में। तो साइन थीटा का जो मान है वह हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा का मान, देखिए घटते क्रम में 4, 3, 2, 1, 0 आर रूट अंडर 4, ये हो गया 0 डिग्री का मान, 4 √4, रूट अंडर 4/4 कर दीजिए 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/4, √3 का √3 और 4 का 2, यानी कोस 0 डिग्री का मान हो गया √3/2। अब है कोस 45 डिग्री का मान, जरा देखिए है ना, तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा 2/4, तो √2/4, 1/2, 1 का वर्गमूल 1 होगा और √2 का √2 होगा, यानी कोस 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√2। साइन 45 कोस 45 मान सेम होता है। उसके बाद में आइए कॉस 45 डिग्री हो गया, आप कॉस 60 डिग्री का देखिए है ना, तो 1/4 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान है ना, कॉस 90 डिग्री का मान √3 0/4 वर्गमूल भाग दीजिए 0, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0, अर्थात
एक रूट तीन बटा दो, एक बटा रूट दो, एक बटा दो और जीरो। यह देखिए घटते क्रम में आ गया, यानी कॉस थीटा का मान जो है वह हमेशा क्या होता है, घटते क्रम में होता है। कॉस के जब थीटा में वृद्धि होगी, कॉस के जब थीटा में वृद्धि होगी तो उसके मान में क्या होगी, कमी होगी। और साइन के जब थीटा में वृद्धि होगी तो उसके मान में क्या होगी, बढ़ेगी, वृद्धि होगी, है ना। यानी साइन थीटा के मान में वृद्धि, साइन के जब थीटा में वृद्धि होगी तो उसके मान में वृद्धि होगी, और कॉस के जब थीटा में वृद्धि होगी तो उसके मान में कमी होगी, है ना, यानी घटते कम होगा। तो साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, जबकि कॉस थीटा का मान हमेशा घटते क्रम में। हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था साइन थीटा और कॉस थीटा का, अब देखिए टेन थीटा का। टेन जीरो डिग्री का मान होता है जीरो, टेन तीस डिग्री का मान एक बटा रूट तीन, टेन पैंतालीस डिग्री का मान एक, टेन साठ डिग्री का मान रूट तीन और टेन नब्बे डिग्री का मान, ऐसा चिन्ह रहेगा तो अपरिभाषित होगा। देखिए इसको भाग दे, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को जब भाग देंगे तब टेन थीटा का मान आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो टेन थीटा का मान जो हमें निकालना होगा, है ना, तो साइन थीटा का जो मान है उसमें कॉस थीटा के मान से भाग दे देंगे तो वह आ जाएगा। लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, जो मान दिया है उसको याद कर लेना है बस। टेन थीटा बराबर जीरो, टेन तीस डिग्री बराबर एक बटा रूट तीन, टेन पैंतालीस डिग्री बराबर एक, टेन साठ डिग्री बराबर रूट तीन। ये देखिए बढ़ते क्रम में है तो जीरो होगा ही, और एक एक बटा रूट तीन है तो रूट तीन का मतलब एक सात दशमलव तीन दो होता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जीरो दशमलव आठ पाँच दो के आसपास जो आए, है ना। अब यहाँ पर देखिए जीरो से बड़ा ही हो गया, इससे बड़ा एक हो गया, और रूट तीन का मान एक दशमलव सात तीन दो होता है, यानी इससे बड़ा यह हो गया, ठीक है। टेन नब्बे डिग्री बराबर क्या हो गया, अपरिभाषित है, ठीक है। अब देखिए कोसेक जीरो डिग्री बराबर अपरिभाषित है, कोसेक तीस डिग्री बराबर रूट दो है, है ना, कोसेक पैंतालीस डिग्री बराबर रूट दो है, है ना। यार ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि कोसेक थीटा जो है वह साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या, कोसेक जीरो डिग्री बराबर क्या हो गया, अपरिभाषित, है ना। कोसेक तीस डिग्री बराबर क्या हो गया, कोसेक तीस डिग्री बराबर क्या होगा, दो होगा। जैसे आपको मालूम है कि साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। और कोसेक तीस डिग्री का मान साइन का उल्टा, यानी साइन का सैंतीस डिग्री का मान एक बटा दो होता है, तो इसका उल्टा हो गया दो। कोसेक पैंतालीस डिग्री का मान एक बटा कोसेक पैंतालीस डिग्री का मान रूट टू होगा, जबकि साइन पैंतालीस डिग्री का मान रूट दो, एक बटा रूट दो होता है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी रूट दो हो जाएगा। कोसेक साठ डिग्री का मान टू बाई रूट थ्री होगा, क्योंकि इसका मान जो है साइन साठ डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक नब्बे डिग्री का मान एक होगा, है ना। अब आइए कोस का उल्टा होगा, सेक जीरो डिग्री का एक होगा, सेक जीरो तीस डिग्री का दो बटा रूट तीन होगा, कोस पैंतालीस डिग्री का रूट दो होगा, सेक साठ डिग्री का दो होगा, सेक नब्बे डिग्री का अपरिभाषित होगा, कॉट जीरो डिग्री का अपरिभाषित होगा। कॉट, अब देखिए कॉट जो है वह टेन का उल्टा होगा, है ना, टेन थीटा का उल्टा होगा, तो कॉट जीरो डिग्री का अपरिभाषित होगा, कॉट तीस डिग्री का रूट तीन होगा, कॉट पैंतालीस डिग्री का एक होगा, कॉट साठ डिग्री का एक बटा रूट तीन होगा, कोट 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से जो है आपको यह फॉर्मूला होती है, जिसको आप पूर्ण रूप से याद कर लें, या फिर सीक्वेंस के तरीका से आप बनाने का तरीका सीख लें, जो हम समझाएं उस तरीके से भी होगा, अन्यथा अगर याद करना है तो याद कर लें, क्योंकि इसके अगला जो चैप्टर है वह चैप्टर जो है आपका क्या है, इसी के मान पर बनेगा। साइन थीटा साइन तीस डिग्री का, कॉस तीस डिग्री का, मैंने थीटा का मान रख कर
करके ही पढ़ना है अगले एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।